किसान से तीन तरफ से घिरी दिल्ली, आज यूपी से एंट्री लेंगे किसान। WHO की चेतावनी, मामले में कमी के बावजूद सावधान रहे देश, अभी खत्म नहीं हुआ संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, रिकवरी रेट 93% से ज्यादा। सीरस परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से ईरान आग बबूला, हथियारों पर कहर बरपाने की धमकी दी, हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया। कर्नाटक के CM येदियुरप्पा के सचिव ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हार के बाद विराट कोहली बोले, दुर्भाग्य है हार्दिक पांड्या फिट नहीं गेंदबाजी के लिए। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में बदली रणनीति। पाकिस्तान टीम के 7वें सदस्य को पाया गया कोरोना पॉजिटिव, दौरा हो सकता है रद्द। वैक्सीन की तैयारी का आज जायजा लेंगे PM मोदी, टीका तैयार कर रही 3 कंपनियों के प्लांटों का करेंगे दौरा। मुठभेड़ में मारा गया 8 लाख का इनामी नक्सली, 10 साल से 3 राज्यों की पुलिस के लिए बना था सिरदर्द। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 72% अनुबंध भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को किया गया शामिल। सोनू सूद के प्रवासी रोजगार को मिला 250 करोड़ रुपए का निवेश, प्रवासियों को जॉब दिलवाने में मदद करता है ये ऐप। पुराने जनरेशन वाले कंप्यूटर की खरीद पर BHU पर बड़ा विवाद, खरीदी पे अनियमितता का आरोप। आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। आर्थिक सुधार के लिए कोरोना वैक्सीन आने तक सावधानी जरूरी। गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश वर्ष में भाग लेने के लिए 600 भारतीय सिख पहुंचे पाकिस्तान। प्रदूषित हवा में सांस लेना भी बढ़ सकता है वजन। यमुना के पानी से चलते थे ताज के फव्वारे, आज भी मौजूद है इतिहास की वो निशानी। 80% हादसे की वजह यातायात के नियम का उल्लंघन करना है। फिर मसीहा बने सोनू सूद, 12 वर्ष की पीड़ा हुई खत्म और अमन को हरियाणा में मिली नई जिंदगी। कोरोना काल में जरूरतमंदों का मसीहा बना NRI चाय वाला, बेसहारे लोगों का बन रहा है सहारा। राहुल का PM मोदी का वार, कहा सच के लिए लड़ने वाले किसानों को नहीं रोक सकती दुनिया की कोई भी सरकार। लोकतांत्रिक परंपरा के संरक्षक सरदार पटेल की प्रतिमा की छत्र छाया में हुए सम्मेलन से निकले कई अहम संदेश। 30 नवंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, अब पर्यटक देश में ले सकते हैं ग्लास स्काई वॉल का आनंद।